सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। हरे कृष्ण। तो आज हम ये 2.62 इस श्लोक पर चर्चा आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 61 श्लोक किया था। उस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि युक्त आसीत मत परः, कि मेरे परायण जो रहता है उसका मन मुझ में लगा रहता है और उसका फॉल डाउन नहीं होता। मेरे परायण मतलब जो मुझसे प्रार्थनाएं करके चलता रहता है। और लेकिन अगर पंगे लोगे अननेसेसरली माया से तो फिर तो फॉल डाउन हो जाएगा, फिर तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। भगवान ये बता रहे हैं अब इस श्लोक में। और कैसे फॉल डाउन होगा, उसके स्टेप्स साइंटिफिकली उसके स्टेप्स क्या हैं, वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे वो ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ध्याये तो मतलब थिंकिंग, वो सोचता है उसके बारे में। किसके बारे में? विषयान् पुंसः, पुंसः मतलब मनुष्य। और किसके बारे में सोचता है? विषयान्, विषयों के बारे में। जब इंद्रिय विषयों के बारे में सोचेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी हमारा ध्यान एकाग्र हो गया मैकडोनल्ड्स के बर्गर के ऊपर और हम रास्ते में जा रहे थे, हमने देखा मैकडोनल्ड्स आ गया, और या आपने मर्सिडीज़ गाड़ी देख ली फॉर एग्जांपल, और आपका ध्यान एकाग्र हो गया मर्सिडीज़ पर। ध्याय तो विषयान् पुंसः, जब मनुष्य ध्यान करता है किसका? विषय का, मर्सिडीज़ गाड़ी का। संगस्तेषु उपजायते, तो संगस अर्थात उसमें अटैचमेंट आसक्ति आ जाती है धीरे धीरे। उपजायते पैदा हो जाती है, आसक्ति पैदा हो जाती है। जब सोचता रहेगा उसके बारे में तो क्या होगा, आसक्ति तो आएगी। और जब आसक्ति आ जाएगी तो संगात संजायते कामः, और जब आसक्ति आ जाएगी तो उससे फिर उसको प्राप्त करने की कामना डेवलप हो जाएगी हृदय में। कामः मतलब कामना पैदा हो जाएगी। कामात क्रोधो अभिजायते, और जब कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आना ऑब्वियस है, डेफिनेटली क्रोध आएगा ही आएगा। जब मर्सिडीज नहीं खरीद पाएंगे 30 लाख की गाड़ी, तो फिर क्रोध आएगा, मैं खरीद नहीं पा रहा, उसके लिए फिर हम लगे रहेंगे। फिर उसके आगे और क्या स्टेप्स हैं, वो तो और आगे जो स्टेप्स हैं वो भगवान इसके अगले श्लोक में बताएंगे, जो हम बाद में कल चर्चा करेंगे। तो अब भगवान एक्चुअली बता रहे हैं कि ज़्यादा ही अगर आप चिंतन करोगे, यहाँ पे एक्चुअली भगवान मन के फंक्शंस बता रहे हैं, माइंड के फंक्शंस होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। मन क्या करता है? मन किसी के बारे में देखता है, जैसे किसी वस्तु को देखता है तो उसके बारे में सोचता है, थिंकिंग, ध्यायते। और फिर उसके बाद फीलिंग, फीलिंग मतलब अटैचमेंट पैदा हो जाती है। और फिर मन क्या करता है? विलिंग, उसको प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है। कामात काम अर्थात उसको उस कामना आ जाती है कि ये वस्तु मेरी हो जाए। और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध आता है, भगवान कह रहे हैं। तो इन चीज़ों से बहुत आसान नहीं है बचना, बहुत मुश्किल ही है अल्टीमेटली। तो अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से साइंटिफिकली फॉल डाउन हो जाता है। इस तरह से स्टेप्स हैं, सोचेगा उसके बारे में, फिर सोचेगा तो अटैचमेंट आएगी, अटैचमेंट आएगी तो फिर क्या, उसको प्राप्त करने का मन नहीं तो करेगा, और फिर नहीं पूरी मिलेगी तो फिर गुस्सा आएगा। तो अगर कोई सही से चल रहा है, मतलब पॉइंट ये है कि जिसको हायर टेस्ट नहीं आया वो तो गिर ही जाएगा, जैसे हम पिछले श्लोकों में चर्चा कर रहे थे। अगर भक्ति में एक हायर टेस्ट नहीं डेवलप हुआ, चैंटिंग में टेस्ट आना शुरू नहीं हुआ, और भगवान की सेवा करने का मैं करने पर अच्छा नहीं लग रहा, और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा, एक हायर टेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो फॉल डाउन निश्चित है। लेकिन और चाहे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते भी रहें, चाहे वैदिक भक्ति फॉलो करते भी रहें, तब भी फॉल डाउन हो जाएगा अगर रागानुगा के स्तर पर हम नहीं पहुंचेंगे। वैदिक भक्ति कब तक करते रहें? कुछ तो हायर टेस्ट डेवलप होना ही चाहिए भक्ति में। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्चुअली वैदिक भक्ति क्या है? वैदिक में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स के द्वारा, शास्त्रों में जो वर्णित जो रूल्स हैं उसके द्वारा शास्त्र हमें रेगुलेट करते हैं। जैसे हमारे गैस सिलेंडर का रेगुलेटर होता है, उसी तरह से शास्त्रों ने हमारे ऊपर रूल्स का रेगुलेटर लगाया हुआ है, और उसके द्वारा हमें वो रेगुलेट करते रहते हैं।
कि सुबह कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, फॉर एग्जाम्पल अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह रात को जल्दी सोओगे तो मंगला आरती अटेंड कर पाओगे, चैंटिंग कितनी करनी है, 16 माला करनी है, कितने रूल्स फॉलो करने हैं, जो बेसिक रूल्स हैं 4 नियम फॉलो करने हैं, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, तो इस तरह से 4 रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, तो इसको कहते हैं वैधि भक्ति। लेकिन ये करते 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 अगर आप भक्ति में अपने आप को ऊपर नहीं उठाओगे, कनिष्ठ से मध्यम स्तर पर नहीं जाओगे, टेस्ट डेवलप नहीं हम यदि कर पाते, तो फिर भक्ति बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगी, खींचना मुश्किल होगा, और इसलिए मैक्सिमम डिवोटीज छोड़ भी देते हैं, माया उनका दिमाग घुमा देती है। इसलिए रागानुगा भक्ति होती है, इसलिए हमें फिर रूल्स रेगुलेशंस उसमें भी फॉलो करने होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करने होते, लेकिन उसमें रूल्स रेगुलेशंस अटैचमेंट के साथ फॉलो करता है व्यक्ति, भगवान से अटैच होता है इसलिए स्पॉन्टेनियसली फॉलो होते हैं, स्वतः वो फॉलो होते हैं। जैसे एक बच्चा बचपन में उसको ब्रश करवाते हैं ज़बरदस्ती उसके पेरेंट्स, और जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने आप ही ब्रश करता, तब थोड़ी मम्मी फ़ोन करती है बेटे ब्रश कर लिया नहीं कर लिया, नहीं वो तो अपना फिर बड़ा हो गया। तो उसी तरह से वैधि और रागानुगा भक्ति है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम वैधि भक्ति से रागानुगा में नहीं जाएंगे, अगर हायर टेस्ट डेवलप नहीं करेंगे, तो ज़्यादा समय तक 20-30 साल बाद भक्ति छूटने के चांसेस हैं। और अगर टेस्ट आ भी गया तो कई लोग क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना बंद कर देते हैं, जैसे सहजिया लोग कि अब तो टेस्ट आ ही गया, सहजिया बन जाते हैं, या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना बंद कर देते हैं, फिर फॉल डाउन भी हो जाता है, इसलिए कई सन्यासी भी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब हम हायर टेस्ट आ गया, अब तो बहुत उन्नत हो गए हैं, अब रूल्स रेगुलेशन में ढील बढ़ सकते हैं, अब बाहर का भी खा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नॉन डिवोटी के हाथ का भी खा सकते हैं, तो ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे या चैंटिंग भी छोड़ सकते हैं कभी कभी, तो फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे फॉल डाउन ही तो होगा। और एक्चुअली प्रेयर्स करने पर भी, मान लीजिए आप सब कुछ कर रहे हैं, हायर टेस्ट भी डेवलप हो गया, और हायर टेस्ट डेवलप हो गया और आपको फिर माया से डर लग रहा है कि कहीं हायर टेस्ट छूट ना जाए, और फिर आप भगवान से प्रे कर रहे हो, लेकिन प्रेयर्स करने के बावजूद भी हो सकता है कि फॉल डाउन हो जाए। आपको ये कैसे हो सकता है, आपने तो यही बताया था कि प्रेयर्स करने पर ही बचा जा सकता है, लेकिन नहीं, हो सकता है अगर हम में सेवा भाव का अनुभव हृदय में डेवलप नहीं हुआ तो हो सकता है। सेवा भाव का अनुभव अर्थात मतलब एक स्ट्रांगली डेवलप होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या जो हायर टेस्ट जो हमें मिला है, ये सब कुछ हमें भगवान की सेवा में यूज़ करना है। सेवा भाव एक स्ट्रांगली डेवलप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दारुक भगवान का जो सेवक था, वो एक बार भगवान को चावर कर रहा था, पंखा झुला रहा था, और पंखा झुलाते झुलाते उसको इतनी एक्सट्रेसी आ गई कि वो रोना शुरू कर दिया उसने भगवान को देखते हुए, और भगवान को देख देख के रो रहा था, और उसका चावर ही रुक गया, सेवा ही रुक गई। तो फिर उसको एकदम ध्यान आया कि ये तो सेवा भाव है ही नहीं, ये तो मैं अपना आनंद ले रहा हूँ भगवान को निहारते हुए। तो अगर सेवा भाव स्ट्रांगली डेवलप नहीं होगा तो प्रार्थना भगवान तक पहुँचेगी भी नहीं, इसलिए उस सिचुएशन में भी गिरने के चांसेस हैं। माया जब तक हम भगवान के धाम नहीं चले जाएंगे, विरजा नदी के उस पार नहीं चले जाएंगे, माया छोड़ेगी नहीं। मतलब बहुत आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही नहीं, गीता में भगवान कह रहे हैं कि मम माया दुरत्यया दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये 3 गुणों से युक्त जो मेरी माया है, ये जब तक व्यक्ति विरजा नदी के पार नहीं चले जाएगा तब तक हंटर लेके पीछे पड़ी रहेगी। इतना आसान नहीं है माया को पार कर पाना। अब एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी, अन्य देवी देवताओं की तो बात ही छोड़ो, ये भी इंद्रिय विषयों से प्रभावित हो जाते हैं और इनका भी फॉल डाउन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भाग गए, और शिव जी तो मोहिनी, भगवान के मोहिनी रूप को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित ही रह गए, और उन्होंने बिल्कुल नंगे होके भागे और उनका सीमन भी लॉस हो गया। मतलब शिव जी भी बिल्कुल, उनका भी माइंड अनकंट्रोल हो गया। और यहाँ पर शिव लिख रहे हैं श्री प्रभुपाद कि शिव जी को पार्वती जी ने एजिटेट किया, पार्वती जी ने प्रोत्साहित किया काम वासना के लिए, और क्यों, ताकि कार्तिकेय का जन्म हो सके, कार्तिकेय का जन्म हुआ उससे, ऐसा श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं।
और फिर श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, लेकिन जब हरिदास ठाकुर के पास वैश्य आई लक्ष्यशीरा जिसका नाम था, तो हरिदास ठाकुर ने माया से वो पराजित नहीं हुए, लेकिन शिवजी पराजित हो गए। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर का मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ था। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो अर्थ ये निकलता है कि शिवजी का मन पूर्ण रूप से भगवान में नहीं लगा हुआ था, इसलिए उनका फॉल्ट डाउन हो गया। लेकिन ये बहुत ही विचित्र बात है अगर हम ऐसा बोलें, क्योंकि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि वैष्णव नाम यथाशंभु, शिवजी परम वैष्णव है। तो जब शिवजी वैष्णव के सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव हैं, सभी वैष्णव के बाप हैं, तो शिवजी का मन क्या भगवान में लगा नहीं हुआ था? और शिवजी का फॉल्ट डाउन कैसे हो गया और हरिदास ठाकुर का फॉल्ट डाउन नहीं हुआ? ये हो क्या रहा है? मतलब या तो शिवजी प्योर डिवोटी हैं या नहीं है, और हरिदास ठाकुर आपके बस आपके गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के बस वही प्योर डिवोटी है, उनका फॉल्ट डाउन नहीं हुआ, शिवजी का हो गया। एक आम आदमी तो यही प्रश्न उठाएगा और ऑब्वियस है कि हर किसी के माइंड में आएगा ही। तो इसका क्या आंसर है? एक्चुअली जब शिवजी बैठे हुए थे ध्यान में, तो पार्वती जी ने जब शिवजी को एजिटेट किया, तो पार्वती जी मतलब साक्षात माया, तो वो शिवजी के ऊपर हावी हो गई। क्यों? और शिवजी का फॉल्ट डाउन कराकर ही छोड़ा, और एज अ रिजल्ट फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। एक्चुअली उस टाइम देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे शिवजी पार्वती जी से कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, और पार्वती जी ने कहा कि ठीक है। तो फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ, और फिर वो कार्तिकेय सेनापति बने देवताओं के, और उन्होंने जाके फिर असुरों से युद्ध किया और देवताओं को जिताया। तो अब यहाँ पर जो शिवजी का फॉल्ट डाउन हुआ, ये भगवान का ही प्लान था, और एक्चुअली माया की इंटेंशन ही थी फॉल्ट डाउन कराने की शिवजी की। चाहे वो प्योर डिवोटी भी थे, लेकिन भगवान का ही प्लान था और माया की इंटेंशन ही थी, भगवान के ऑर्डर पर ही आए थे यूँ समझ लीजिए, इसलिए फॉल्ट डाउन हो गया। तो शिवजी को थोड़ा ना कोई हिला सकता है, जब हरिदास ठाकुर को नहीं कोई हिला पाया तो शिवजी कैसे हिल सकते थे? और शिवजी तो अपनी एक जांग पे पार्वती जी को बिठाकर हरि कथा ही कर रहे थे, जब चित्रकेतु का दृष्टांत आता है, तो शिवजी को थोड़ी ना कुछ हो सकता है। और जो मोहिनी के केस में, वो भी स्पेशल केस था, मोहिनी तो साक्षात विष्णु खुद ही थे, तो इसलिए शिवजी पागल हो गए। शिवजी ने रिक्वेस्ट प्रे थोड़ी अलग सी कर ली कि मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान आप दिखाइए दिखाइए। तो वो डेफिनेटली भगवान ही जब माया बन गए तो फिर कौन नहीं पागल होगा। तो पॉइंट ये है कि शिवजी को गिराने की पूरी चेष्टा ही थी माया की, बट ऑन दी अदर हैंड दूसरी ओर देखें तो हरिदास ठाकुर को माया गिराने नहीं आई थी, हरिदास ठाकुर का इसीलिए फॉल्ट डाउन नहीं हुआ, हरिदास ठाकुर को तो ग्लोरीफाई करने आई थी कि जब मैं इनके पास जाऊंगी इनका फॉल्ट डाउन कराने, और इनको तो कुछ होगा नहीं, और फिर इनकी ग्लोरीफिकेशन फैलेगी, लोग देखेंगे कि माया भी इनका कुछ नहीं कर पाई, कृष्ण भक्त कितने स्ट्रांग होते हैं। तो माया की जहाँ चेष्टा ही थी गिराने की भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग, तो वहाँ तो शिवजी का भी फॉल्ट डाउन हो गया, वहाँ तो फिर किसी का भी फॉल्ट डाउन हो जाए। लेकिन जब चेष्टा ही नहीं थी हरिदास ठाकुर के केस में, ना भगवान का कोई प्लान था, वहाँ तो माया हरिदास ठाकुर को ग्लोरीफाई करने आई थी। तो इसीलिए इस पर्पट में जो श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शिवजी का फॉल्ट डाउन हो गया और हरिदास ठाकुर का मन भगवान में लगा हुआ था, उनका फॉल्ट डाउन नहीं हुआ, तो इसका ये समन्वय इस तरह से हम समझेंगे, ये समन्वय है इसका। तो बस ये श्लोक है, अब आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे और श्लोक पढ़ेंगे तो अब आपको आसानी से समझ आएगा। बस ये है कि इससे टीचिंग हमें ये मिलती है शिवजी के दृष्टांत से कि माया बहुत स्ट्रांग है, फॉल्ट डाउन किसी का भी हो सकता है। ऑल्दो शिवजी के केस में तो भगवान का ही प्लान था दोनों टाइम, लेकिन माया बहुत स्ट्रांग है, मतलब कुछ भी हो सकता है इस संसार में। और ये फॉल्ट डाउन के स्टेप्स ही हैं इस श्लोक में, किस तरह से फॉल्ट डाउन होता है। अगले श्लोक में वही है, वो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।